अनुपम खेर ने सफाई देने के बाद कपिल शर्मा पर लगाया एक और आरोप, जनता ने दिया करारा जवाब। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग है, जब तक सच जूता पहनता है झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा आता है। देखने वालों का कहना है कि ये सिर्फ एक लाइन नहीं फिल्म का रिव्यू है, लेकिन पर्दे के बाहर भी ये डायलॉग फिल्म के लिए एकदम सटीक साबित हो रहा है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे हैं, कुछ सच्चे और कुछ झूठे। झूठे दावों का असर ये है कि मनोरंजन जगत के नामी चेहरे कपिल शर्मा को ट्विटर पर आकर सफाई तक देनी पड़ गई। हालांकि जिस वजह से कपिल शर्मा को ट्विटर पर ट्रोल किया गया था वो बात अब साफ हो गई है। फिल्म को लेकर एक विवाद तब शुरू हुआ जब कॉमेडी शो के होस्ट कपिल शर्मा पर आरोप लगे कि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को अपने शो पर प्रमोट करने से मना कर दिया। ट्विटर पर कपिल शर्मा जमकर ट्रोल हुए। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन ट्रोलर्स ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आलम ये रहा, हैशटैग द कश्मीर फाइल्स के साथ साथ कपिल शर्मा भी कुछ समय के लिए ट्रेंड करने लगे। लेकिन अब जैसे ही ये झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस लौट चुका है, तो सच भी जूते का फीता बांधकर सामने आ खड़ा हुआ है। दरअसल टाइम्स नाउ के एक शो में हैशटैग द कश्मीर फाइल्स के लीड एक्टर अनुपम खेर ने इस मुद्दे पर वो बताया है जो इस विवाद का दूसरा पहलू है। टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में मेहमान बने अनुपम खेर ने बताया, पूरी ईमानदारी से मैं एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे शो के लिए कॉल आया था और मैंने अपने मैनेजर हरमन को कहा था कि भाई ये फिल्म बड़ी सीरियस है, मैं वहां नहीं जा सकता हूं। अनुपम खेर ने बताया कि ये 2 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा, मैं इससे पहले 2-4 बार उस शो में जा चुका हूं और वो एक हंसी मजाक वाला शो है। इस फिल्म के साथ एक फनी शो करना काफी मुश्किल है। कपिल शर्मा ने इस वीडियो क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने इस बात के लिए अनुपम खेर को धन्यवाद कहा है। उन्होंने वीडियो क्लिप शेयर करते हुए ट्वीट किया है, शुक्रिया अनुपम खेर पाजी मेरे खिलाफ लग रहे सभी झूठे आरोपों पर सफाई देने के लिए। इसी ट्वीट में उन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष भी किया है जिन्होंने उन पर आरोप लगाए थे। वो आगे लिखते हैं, और उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने बिना सच जाने मुझे इतनी मोहब्बत दी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कपिल का इतना कहना था कि अनुपम खेर ने जवाब देकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है। अनुपम खेर ने आरोप लगाते हुए कहा, काश आपने आधा सच नहीं बल्कि पूरा वीडियो पोस्ट किया होता। सारी दुनिया जश्न मना रही है, आज की रात तुम भी मनाओ, हमेशा प्यार और प्रार्थना। अनुपम खेर अपने इस बयान के बाद एक बार फिर जनता के निशाने पर आ गए हैं। आइए आपको बताते हैं अनुपम खेर के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स का क्या कहना है। एक यूजर लिखते हैं, अनुपम खेर अपनी जरूरत पूरी करने के लिए भक्त बन गए हैं, इस बात को जल्द से जल्द समझना होगा। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, जो लोग फ्लॉप हो चुके हैं वो नफरत की राजनीति और नफरत की फिल्मों में काम करना चाहते हैं, जिससे वो अपने आप को लोगों के सामने दिखा सके। जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं वो नफरत फैला सकते हैं। तो वहीं एक और यूजर ने कहा, इन भक्तों को भाजपा में कोई बुराई नजर नहीं आती, इन्हें विपक्ष में ही बुराई नजर आती है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।